नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कई करोड़ रुपए की सौगात करनाल के लोगों को दी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टॉपर रहे 22 बच्चों को सम्मानित भी किया है। जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है वह सभी बच्चे 12वीं के छात्र थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टॉपर रहे सभी बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज सुबह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करण स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह, नगर निगम के मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद के अलावा डीसी निशांत कुमार यादव व एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी व खेल विभाग के अधिकारी तथा कई और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन आज की बड़ी खबर निकलकर यह आई है कि आज शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह की बातचीत केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ होगी। यह बातचीत इस आधार पर होने वाली है कि हरियाणा को खेलों को और आगे कैसे ले जाया जाए तथा क्या बड़ी योजनाएं हरियाणा में लाई जाए। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के खेलों को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। यह भी संभव हो सकता है कि हरियाणा को कोई बड़ा स्टेडियम मिल जाए, लेकिन इसका खुलासा तो तभी होगा जब यह मीटिंग खत्म होगी, यानी खेलों को लेकर खुशखबरी देर शाम तक मिल सकती है। पहले आपको ले चलते हैं सीएम के पास, जहां आज उन्होंने सुबह पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसके संकेत भी दिए। एक और बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही है, जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष क्या हरियाणा में भाजपा को मजबूत कर सकेंगे, तो आप भी सुनिए कि सूबे के मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। अभी जैसे आपने देखा कि 50 MLD का ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये बन करके प्राय तैयार हो गया है, और आज उद्घाटन से पहले एक बार इसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मैं आया था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि करनाल में लगभग जो 80 से 90 MLD वेस्टेज जितना निकलता है, उसमें जितने भी बाकी सब प्लांट्स मिला करके 120 MLD की व्यवस्था ये करनाल शहर की हो गई है, ताकि आगे के लिए उसका बफर रखना पड़ता है, और जल्दी इसका उद्घाटन हो जाएगा। और एक बड़ी जो इसमें विशेष बात है, ऐसे सभी प्लांट्स इनको हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने की बात कही है। आज भी इरीगेशन के लोगों ने अपना रेजिस्टेंस दिया है, ताकि इस पानी का, ट्रीटेड वाटर का, इरीगेशन के लिए उपयोग हो सके। अभी तक ये सारा पानी ड्रेन आउट होता है, तो ड्रेन आउट होने से साफ किए हुए पानी का ड्रेन आउट होना तो बहुत लाभदायक नहीं है। इसलिए इससे यहाँ इसी प्लांट से लगभग 6000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई की जा सकती है। तो ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा कि पूरे हरियाणा में लगभग 100 के आसपास SLP ये बन गए हैं, स्टेट ये सीवरेज क्या ट्रीटमेंट प्लांट STPs 100 के लगभग STPs बन गए हैं। इन सब के पानी का उपयोग हम इरिगेशन में करने की योजना बना रहे हैं। सर, रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई हैं किसी कारणवश, और विपक्ष का कहना है कि ये घोटाला है, गड़बड़ी है, किस कारणवश की गई और कब तक खुल जाएंगी? जिन लोगों ने इतने घोटाले आज तक किए, उनको हर बात में घोटाला नजर आता है। हमको व्यवस्था में नई चीज़ लेकर के आए, उसको भी घोटाला नजर आता है। वास्तव में देखिए, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमारा पिछले लगातार 5 साल चला है, उसमें कई डिपार्टमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के इस काम में सारे अपने सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना होता है, और उसको एक दूसरे के साथ मिला करके चलाना होता है। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, टाउन काउंटी प्लानिंग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उसमें कोर्ट्स की लिटिगेशन के इशूज़ भी होते हैं। ऐसे सब कार्यक्रमों को, सॉफ्टवेयर को मिलाने के लिए उनको कम से कम 10 दिन का समय चाहिए, तो इसलिए उस सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये समय दिया गया है। इन रजिस्ट्रियों को रोक करके और एक सॉफ्टवेयर बना करके अब इसके बाद किसी प्रकार की जो शिकायतें रहती हैं, खास करके अनऑथराइज्ड प्लॉट्स, इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कभी कभी लिटिगेशन के प्लॉट्स
इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो ऐसी जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ना आए, किसी प्रकार का आपस में झगड़ा, किसी प्रकार की लिटिगेशन ना बढ़े, इस कार्यक्रम के बाद, इस सॉफ्टवेयर की तैयारी के बाद वो सब ठीक। सर, करनाल में दो हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले सामने आए, आपकी नॉलेज में भी आए होंगे, कहाँ तक जाँच और क्या समझते हैं आप इस तरीके से? देखिए, जैसे ही जानकारी मिली है पुलिस ने उसकी FIR दर्ज कर ली है और मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन का पूरा जब तक ना हो जाए तब तक इसके आगे बताना ठीक नहीं। अच्छा है राजस्थान की कांग्रेस से पूछा जाए, कांग्रेस पार्टी देश की ओर से पूछा जाए। अब किसी के घर पर पत्थर फेंकने का काम हमारा तो है नहीं, भले ही वो पत्थर फेंकते रहते हैं, और मेरी नसीहत है उनको, मेरी नसीहत है उनको कि जिसके घर शीशे के होते हैं उसको किसी और के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आज खेल सुविधा केंद्र का ये जो उद्घाटन किया गया है, और इसके साथ ही और 9 प्रोजेक्ट्स, कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन, कुल 43 करोड़ रुपये की लागत के ये बनाए गए हैं। और यहाँ पिछले कुछ समय से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ के खिलाड़ियों की ओर से एक मांग थी कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स बढ़ाए जाए। अभी तक केवल 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, आज हमने निर्णय किया है कि इसके साथ 4 बैडमिंटन कोर्ट और कुल मिला के 6 बैडमिंटन कोर्ट हो जाएंगे, और एक बॉक्सिंग हॉल, इसकी भी आज जो है बता दिया गया, मंजूरी दे दी गई है, वो भी जल्दी से बन जाएगा। और एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि आज हम लोग, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी और मैं, हम दोनों केंद्रीय स्पोर्ट मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू उनको मिल रहे हैं, और मैं समझता हूँ हरियाणा में खेलों को कैसे विस्तार दिया जाए, हमारे पास एक योजना प्लानिंग है उनके पास, यानी रखेंगे उनके साथ, और फिर उसमें से क्या कुछ तय होगा वो आप लोगों को सर। नहीं तो डिमांड तो हमारे पास भी आई है, अब जैसे आज 2 चीज़ें की हैं, आगे धीरे धीरे। सर, आपने स्पोर्ट्स हब बनाने की बात की अभी हरियाणा का, तो उसके लिए क्या योजना? देखिए, वो तो पहले से हरियाणा देश भर में एक अपना अच्छा अव्वल स्थान रखता है, लेकिन बहुत जगह पर इंटरनेशनल लेवल की कुछ पैरामीटर्स हैं खेलों के, उनको एक एक करके हम लागू करेंगे, और कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, उनकी भूमिका में हरियाणा कैसे आगे आए, इसके लिए आज हम शाम को बात करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ योजनाएं केंद्र की ओर से भी उनको कुछ सहायता मिलेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे, तो हर परंपरागत खेल के लिए हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में आगे बढ़ें, ये उसमें योजना। धनखड़ नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है नए व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होता है। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और चित करेंगे। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टॉपर बच्चों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने करण स्टेडियम में मौजूद खेल कोच से समस्याएं भी पूछी। उन्होंने बच्चों को सम्मानित करने के साथ साथ वहां मौजूद लोगों से खेलों और आगामी योजनाओं को लेकर क्या कहा, वह भी आप सुन लीजिए। खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे मेयर प्रधान बहन निर्मला गुप्ता जी, जगमोहन आनंद जी, सुभाष जी, पुत्रिया जी, ऋषि साहब, अश्विनी साहब, श्री सैनी जी, उपस्थित सभी खेल विभाग से जुड़े हुए सभी साथी, और अभी पिछले परिणामों में जितने बहुत आकार थी, आज इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ऐसे मेरे विद्यार्थी बंधु भाई बहनों, आज का दिन खेल विषय को लेकर एक महत्वपूर्ण दिन मैं इसलिए मानता हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ इस खेल सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है या कुछ मांगे रखी गई है, उसमें से एक आध बैठ हम लोग जो विचार कर रहे हैं उसको मान के लेंगे, बाकी बाद में करें थे, ये तो छोटा विषय है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज सायकाल हरियाणा में खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस विषय को लेकर के अपने खेल मंत्री और मैं अपने जो केंद्रीय खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनसे बड़े मीटिंग है, और हमने हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं हमने सोच रखी। अब सायकाल के साथ बातचीत कर रहे थे, अभी कुछ मन में है, अब जितना स्वीकार हो जाए वही से हमको बताया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा समाचार हम जरूर देते।
सच्चे ईमानदार हैं। जहाँ हरियाणा के कुछ इलाकों की खेल विषय प्रगति होगी वहाँ कुछ ना कुछ करना ही के लिए लोग लेकर आए। खेलों के नाते से हरियाणा का नाम पूरे देश में, जितने भी मेडल देश में हम लोग लेके आते हैं दुनिया के किसी भी भाग में खेल होते हैं, चाहे एशियन खेल हो चाहे वो कॉमनवेल्थ के हों चाहे वो किसी प्रकार के विश्व स्तरीय इंटरनेशनल खेल होते हैं, जितने मेडल लेके आते हैं जितने विजेता होते हैं उसमें कभी कभी तो आधे से ज्यादा केवल हरियाणा के होते हैं। हरियाणा में अच्छा स्थान बनाया गया है, लेकिन जब हम हरियाणा को अपने देश के साथ जोड़ करके देखते हैं तो अपने देश का स्थान दुनिया में जैसा ऊंचा होना चाहिए बढ़िया, वो अभी बहुत पीछे है। देश के बाद जो प्रांत भी जोर लगाए थे लेकिन हरियाणा पहले से अच्छा था, और ज्यादा जोर लगाने का हमारी मजबूरी है, हम और ज्यादा जोर लगाएंगे। हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे और हर प्रकार के खेल अपने खिलाड़ियों के लिए, चाहे नाम रखने की बात हो चाहे उनको नौकरी देने की बात हो, रिजर्वेशन के लिए की है हमने उसकी बात हो, खेल के दौरान सुविधाएं ये जो खिलाड़ियों को दी जाती है उसकी बात हो, सब जो हरियाणा आगे है। इसमें और आगे लेकर बढ़ेंगे, आवश्यकता है आप सब लोगों के एक संकल्प की। अगर आप सब लोगों ने जो खेल से जुड़े हुए लोगों ने अच्छा संकल्प लेकर के आगे बढ़ने के लिए मन बनाया तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, सरकार की ओर से किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। आज यहाँ पर कुछ राजा उद्घाटन किए हैं उसमें जिस हॉल में बैठे हैं ये खेल सुविधा केंद्र इस समय 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। कुल 43 करोड़ रुपए की लागत के ये प्रोजेक्ट है या जनता को समर्पित, और इसी नाते से आगे के लिए जो बात कही गई है उसमें एक तो बैडमिंटन हॉल की बात कही है, अभी केवल 2 बैडमिंटन हॉल है, डिमांड 6 की गई है, तो 6 के 6 बैडमिंटन हॉल की डिमांड पूरी की है। अभी यहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर PSO और बाकी डिप्टी कमिश्नर वाले मिलकर के देख लेंगे कि जो 2 पहले चल रहे हैं उन्हीं के साथ 4 का एक्सटेंशन करना है, या जो पहले वाला 2 बैडमिंटन हॉल है उसका उपयोग किसी दूसरे काम के लिए करके और ये 6 का कोर्ट अलग से बनाया जाए। मैं समझ 6 के 6 अगर बैडमिंटन के जो हॉल है एक साथ रहेगा, कोर्ट एक साथ रहेगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। 2 कहीं और हैं, 4 कहीं और हैं, उसकी बजाय 6 के 6 इकट्ठे हो, चाहे उसी का 4 का एक्सटेंशन कर, चाहे 6 का अलग स्थान देखे और उस स्थान के ऊपर दूसरा उपयोग करें। और दूसरे उपयोग के लिए एक हिमाचल बिहार दिनों से बॉक्सिंग हॉल की भी आ रही है, इसके बारे में आया था बॉक्सिंग हॉल की डिमांड की गई थी, उस बॉक्सिंग हॉल के लिए भी 1,35,00,000 रुपये मंजूर किया है। बात जहां तक स्विमिंग पूल की है, मन में तो हमारे है ये कर ले, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सायकाल कुछ हम डिमांड केंद्रीय मंत्री की तरफ से रखने वाले हैं, उसमें एक चीज ये भी है अगर दरबार को स्विमिंग पूल के नाते से कोई विशेष योजना केंद्र की आपको मिल गई तो ये स्विमिंग पूल का जो 50 मीटर का ही अपने आप पूरा हो जाएगा, इसका भी कोई क्योंकि आज नेशनल लेवल के खेलों में नए नए कोई स्विमिंग पूल दिखाई तो केंद्र की ओर से सहमति हो जाएगी तो फिर केंद्र के बहुत से खेल हमको मिलते रहते हैं, उसमें से स्विमिंग का खेल भी बन सकता है, एथलेटिक्स बहुत प्रकार की केंद्र बन सकता है। तो ऐसी योजनाएं जहाँ तक बड़ी बड़ी जमीनों के ऊपर बड़े स्टेडियम का विषय है उस पर अभी तो विचार नहीं करा गया, क्योंकि हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खेलों के केंद्र बने हुए हैं, तो कौन से खेल का केंद्र यहाँ को बनाना है वो विचार करने के बाद ही उस प्रकार की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। हर जगह क्रिकेट के स्टेडियम बनाने का कोई अर्थ नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम तो कई जगह बने हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा उपयोग हो नहीं रहा, अभी तो भारतीय परंपरागत खेल उनको आगे बढ़ाने के लिए सारे देश भर में दावा किया गया है, तो उन खेलों में और ज़्यादा कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उसमें जरूर हरियाणा में कमाल की भी कुछ हिस्सेदारी।
आएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने आज बताया कि आज हरियाणा के खेलों में आज बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आज शाम केंद्र के खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ आज उनकी एक अहम बैठक है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री और खेल मंत्री, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि फिलहाल आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में 6 बैडमिंटन हाल की मांग को हालांकि मंजूरी दे दी है। हालांकि उनके सामने जो खेल स्टेडियम के जो कोच थे, उन्होंने कई मांगे और रखी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आज शाम को जो केंद्रीय खेल मंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है, उसमें आज हरियाणा को काफ़ी कुछ मिल सकता, हो सकता है कि संभवतः हमारा मानना है कि आज हरियाणा को खेल में कोई बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसे लेकर आज केंद्रीय खेल मंत्री को ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल धनखड़ की बात करते हुए, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, करण स्टेडियम में आए थे, इसलिए उन्होंने आज उन्हें धनखड़ को खिलाड़ी का नाम दिया और कहा कि वे सबको चित कर देंगे। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, करण स्टेडियम, करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।